जिंदाल ने सीएम को गोली मार दी। अगर मैं इसे वहीं छोड़ देता तो वो मार देते इसे। मगर जिस हालात में मैं वहां से निकला हूं, पुलिस तो यही सोचेगी कि मैंने मारा इसे। सनी किसने कहा सनी को छोटे पापा, जीत के सीक्वल में कौन लेगा तबू की जगह। बॉलीवुड के सबसे शानदार डील डॉल रखने वाले एक्टर्स में से एक सनी देओल ने 1983 में बेताब से हिंदी फिल्मों में अपना डेब्यू किया। इसके बाद वे फिल्म अर्जुन में नजर आए और उन्हें एक्शन हीरो का टैग मिल गया। इसके बाद उन्होंने घायल, डर, बॉर्डर, जीत, जिद्दी, गदर जैसी कई बेहतरीन फिल्में की। अपनी फिल्मों और धमाकेदार एक्शन के अलावा वे अपनी लव लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहते थे। आइए आज हम आपको उनकी निजी जिंदगी में हुए प्रेम प्रसंगों के बारे में बताते हैं। सनी देओल का नाम लंबे समय से एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया से जुड़ता रहा है। कई साल पहले लंदन में दोनों एक दूसरे का हाथ थामे भी पाए गए थे, जिसके वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुई थी। आपको बता दें कि इनका आपसी संबंध करीब 33 साल पुराना है। कहा जाता है कि साल 1984 में फिल्म मंजिल मंजिल के सेट पर इनकी लव स्टोरी सीढ़ियां चढ़ मंजिल की ओर बढ़ने लगी। तब डिंपल और सनी दोनों ही शादीशुदा थे। डिंपल जहां सुपरस्टार राजेश खन्ना को छोड़कर सनी के प्यार में पड़ गई थी, वहीं अपनी पत्नी पूजा को छोड़कर सनी के कदम भी डिंपल की ओर बढ़ रहे थे। कहा जाता है कि सनी डिंपल को लेकर इतना सीरियस थे कि वह उन्हें ही अपनी पत्नी मानने लगे थे। खबरें तो ये भी थी कि डिंपल की बेटी ट्विंकल खन्ना उनको छोटे पापा कहकर पुकारती थी। हालांकि इस पावरफुल जोड़ी में तब दरार आने लगी जब सनी का दिल जिद में अपनी को स्टार रवीना टंडन पर आने लगा। अक्षय कुमार से धोखा खा चुकी रवीना दुखी थी, जिन्हें सनी में हमदर्द मिला। पर कुछ समय बाद इनके रिश्ते के भी टूटने की खबरें आने लगी। हालांकि मजेदार बात यह है कि जैसे इनके ब्रेकअप की खबरें आई, दूसरी तरफ डिंपल और उनके दोबारा साथ होने की खबरों ने जोर पकड़ लिया। इसी बीच सनी की पत्नी पूजा ने उन्हें डिंपल से रिश्ता खत्म करने के लिए कहा, जिसके लिए उन्होंने धमकी दी कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वह अपने बच्चों को साथ लेकर चली जाएंगी। आपको बता दें कि इसके बाद उनके अफेयर्स की खबरें भी आना बंद हो गई। फिर अचानक साल 2011 में उन्हें साथ देखा गया। दरअसल सलमान खान स्टार दबंग में डिंपल भी थी, जिसकी शूटिंग महाबलेश्वर में हो रही थी। तभी सनी देओल भी वहां उनसे मिलने पहुंचे थे। अब ये सच है कि वो खास तौर पे उनसे मिलने वहां पहुंचे थे या महज एक संयोग, ये तो वही दोनों जाने। पर हमें तो यही लगता है कि इनके बीच का रिश्ता आज भी कायम है, जिसे ये बताना नहीं चाहते। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि साल 1996 में आई बहुचर्चित फिल्म जीत का अब एक सीक्वल बन रहा है, जिसमें सनी के बेटे करण देओल मुख्य किरदार में होंगे। वहीं ओरिजिनल फिल्म में उनके अलावा सलमान खान, करिश्मा कपूर और तब्बू मुख्य किरदार में थे। आपको बता दें कि तब्बू फिल्म में एक प्रोस्टिक्यूट के रोल में थी, जिसे सीक्वल में तापसी पन्नू निभाने वाली है। जी हाँ, हमेशा हटकर किरदार और उन्हें बखूबी निभाने के लिए जाने जाने वाली तापसी एक बार फिर बिल्कुल हटकर अंदाज में होंगी। फिल्म की कास्ट से जुड़ी बाकी अपडेट्स भी हम आपको देते रहेंगे, जिसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।